नमस्कार दोस्तों, जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर एनसीईआरटी एसएल से फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो वो अब इस नए नोटिफिकेशन जो कि 4 जून को आया है, उसके बाद से वो किस प्रकार आगे प्रमोट होंगे, कैसे उनको आगे भेजा जाएगा, तो इसी संबंध में ये वीडियो मैंने बनाई है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में थे कि उन्हें क्या करना है, कैसे वो प्रमोट होंगे, बहुत सारे उनके सवाल थे। उन सब सवालों के जवाब दूंगा मैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखिएगा आप आखिर तक। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आपको असाइनमेंट्स कैसे तैयार करने हैं, तो वीडियो को देखिएगा आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कोई भी बात बताता हूँ तो वो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन नोटिस लेटर पढ़ के बताता हूँ, जो भी आया होता है बॉडी की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से जो भी आया होता है, तो मैं उस लेटर को, उस नोटिफिकेशन को पढ़कर ट्रांसलेट करके ही आपको बताता हूँ। हवा हवा में बातें नहीं करता, जैसे कि कई यूट्यूबर्स करते हैं। तो बिना समय गंवाते हुए आइए चलते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ कि वो नोटिफिकेशन आपके लिए क्या कहता है। उसमें से मैं सिर्फ वही हिस्सा भी पढ़ के बताऊंगा जो आप लोगों से संबंधित है। आइए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सोल ऑफ द फर्स्ट ईयर अंडर सेमेस्टर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन सीबीसीएस मोड ऑफ स्टडी फॉर एकेडमिक सेशन 1920। अब आ जाइए, जो सोल के बच्चे हैं फर्स्ट ईयर वाले सेमेस्टर मोड में जिन्होंने एडमिशन लिया था। In the case of the first year students registered with SOL, where examination for both semester are due, yes, जो 2019 से SOL के अंदर semester system शुरू हुआ था, और semester system हुआ था तो उनके जो semester wise exam होने थे तो वो तो अब दो बार के due हो गए। उनके December के अंदर exam हुए थे जो नहीं हुए, ये सभी बच्चे जानते हैं, और अब इस बार जून में भी एग्जाम होने थे अब जो नहीं हुए, तो उनके दो सेमेस्टर के एग्जाम ड्यू हो गए हैं एंड आर टू बी कंडक्टेड जो कराने हैं। इन दिस सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, अब इन बच्चों के पिछले सेमेस्टर के मार्क्स को अवेलेबल है नहीं, सो देयर शैल बी 100% इवेल्युएशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, 100% इवेल्युएशन फॉर ग्रेडिंग बेस्ड ऑन द असाइनमेंट। तो अब उनको दोनों सेमेस्टर के मार्क्स असाइनमेंट के बेस पर लगेंगे फॉर बोथ सेमेस्टर्स साइमल्टेनियसली। आपके फर्स्ट सेमेस्टर, आपके सेकंड सेमेस्टर, दोनों के मार्क्स अब आपके जो लगेंगे वो सिर्फ आपके असाइनमेंट के बेस पर ही लग जाएंगे, आपके एग्जाम नहीं होंगे। इन फ्यूचर आप चाहे इंप्रूव करना तो कर सकते हैं। ऑल सच स्टूडेंट्स शैल हैव टू सबमिट देयर असाइनमेंट फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड सेमेस्टर एज पर द स्केड्यूल नोटिफाइड एंड कम्युनिकेटेड बाय सोल अकॉर्डिंगली, और आपको दोनों सेमेस्टर के लिए अलग अलग से देने पड़ेंगे असाइनमेंट, आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अलग से, सेकंड सेमेस्टर के लिए अलग से। स्टूडेंट शैल बी ग्रेडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एंड द सेकंड सेमेस्टर सेपरेटली, आपको दोनों के लिए अलग अलग से असाइनमेंट देने पड़ेंगे। ऑल सच रिजल्ट शैल बी प्रिपेयर्ड इन ग्रेड्स एज पर CBCS रूल्स एप्लीकेबल, जैसे CBCS के रूल्स है वैसे आपका रिजल्ट बनेगा। स्टूडेंट्स हु हैव एरियर्स मार्क्स एज पर एसेंशियल रिपीट जिस किसी की ERI है, एंड दोज स्टूडेंट्स हु विश टू इम्प्रूव देयर ग्रेड इन बोथ केसेस, जो मैंने आपको बताया कि आप अगर बाद में चाहे, अगर जिनके ERI है, और वो भी एक तो जिनके ERI जिनका कोई पेपर रह गया वो, और दूसरा वो जो इन आने वाले मार्क्स से खुश नहीं होंगे और बाद में इंप्रूव करना चाहते हैं, इन बोथ द केसेस शैल बी अलाउड एज पर द साइकिल ऑफ द सेमेस्टर वेरिंग कोर्स पेपर ऑफ ऑड सेमेस्टर कैन ओनली बी अटेम्प्टेड अलोंग विद ऑड सेमेस्टर टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 21 एंड सिमिलरली कोर्स पेपर ऑफ इवन सेमेस्टर कैन बी अटेम्प्टेड अलोंग विद द इवन सेमेस्टर टू बी हेल्ड ड्यूरिंग मंथ मई जून 21। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी पेपर को इंप्रूव करना चाहते हैं, आपको लगता है आपके मार्क्स कम है, तो नेक्स्ट ईयर 2021 में आके अगर वो पेपर इवन सेमेस्टर का था तो जब इवन सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तब आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं, और या फिर अगर वो ऑड सेमेस्टर का एग्जाम था और आप उसे इंप्रूव करना चाहते हैं तो 2021 में जब ऑड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे
तब आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी इम्प्रूव करने की फ्रीडम आपके पास पूरी है। बहुत ही बढ़िया बात है ये। तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा अब तक कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा अगले सेमेस्टर में, अगले साल में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको किस आधार पे किया जाएगा, और वो आधार होगा आपके असाइनमेंट्स। आपके असाइनमेंट्स आएंगे यूनिवर्सिटी के साइट पर ही आएंगे, कॉलेज के साइट पर ही आएंगे, और वो असाइनमेंट आपको तैयार करके, उसको तैयार करने के लिए आपको कुछ दिन मिलेंगे, और उसको तैयार करके आप वापस उसे अपलोड कर दीजिएगा, जिससे आपके पूरे 100% मार्क्स सिर्फ असाइनमेंट के बेस पर ही लग जाएंगे। अब क्योंकि आपके 100% मार्क्स असाइनमेंट के बेस पर लगने हैं, तो इसलिए असाइनमेंट आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो गए, क्योंकि यही आपके इस सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो डिसाइड करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपको इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। हम बात करते हैं कि आप कैसे बनाएंगे अपने ये असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट बच्चे वही बना सकता है जिसने थोड़ी बहुत भी स्टडी की हो, जिसने थोड़ा अच्छे से स्टडी की है, सिर्फ वही इन असाइनमेंट्स को ठीक से बना सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट्स में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी होंगे, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उनके अंदर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे। तो अब आप ये किस तरीके से करेंगे, तो ये करने के लिए आप किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से आप क्लासेस जरूर लीजिए, आप ऑनलाइन क्लासेस किसी ना किसी मोड में जरूर लीजिए, कहीं ना कहीं से जहां से आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है। अगर आप कॉमन स्टूडेंट हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस जूम पर ले सकते हैं मुझसे, मेरे YouTube चैनल पर 160 से ज्यादा वीडियोस डली हुई हैं, वहां से आप आइडिया लगा लीजिए कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है या नहीं। तो आप Zoom पर मुझसे क्लासेस ले सकते हैं, और मैं आपको असाइनमेंट के टाइम पर भी पूरी पूरी मदद करूंगा, जिससे आपके असाइनमेंट बहुत ही बढ़िया बनेंगे और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो बस दोस्तों जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए वीडियो को, अपने यार दोस्तों को भी बताइए, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।